नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते की किताब का नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पैटरसन, यानी जीवन के 12 नियम। अब ये कौन से नियम बता रहे हैं वो देखते हैं। जब हम जिंदगी में निराश हो जाते हैं, तब हमें कैसे उस उदासी को, निराशा को दूर करना है, कैसे उस निराशा से बाहर आना है, यह इस किताब में बताया गया है। मैंने जब यह अपने आप पर अप्लाई करके देखे ये 12 रूल्स, तो सचमुच मुझ में काफी बदलाव आया और मैं बहुत जल्दी अपनी उदासी से बाहर आ गई थी। आई होप ये किताब आपको भी उतनी ही एनर्जी देगी, उतनी ही हेल्प करेगी जितना कि मुझे इससे फायदा हुआ था। तो आइए देखते हैं कि कौन से वो 12 नियम हैं। पहला नियम वो बताते हैं कि जिंदगी में हमेशा सीधे कंधों के साथ डट के खड़े रहे। इसका मतलब है, मतलब फिजिकल पोस्चर के बारे में तो वो बताते ही है कि ये सही बात है, लेकिन द डीपर मीनिंग कुछ और है। ये नियम हमारे फिजिकल पोस्चर के बारे में कहता है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को खुद की नजर में हमेशा स्ट्रॉन्ग समझना बहुत जरूरी है। अपने आप को कोसना, अपने आप को कमजोर समझना, इससे हमारा फिजिकल पोस्चर भी चेंज हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी हो जाए, डट कर, कंधों को पीछे रखकर सीधे खड़े होइए, ताकि आपके मन से निराशा अपने आप धीरे धीरे जाने लगे। जब हम कंधों को पीछे तान कर सीधे खड़े होते हैं ना, तो अपने आप ये पोस्चर हमारा हौसला, हमारी उम्मीद बढ़ाने लगता है। और जब हम अपने अंदर से वो निराशा, वो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने की कुछ उपाय करने लगते हैं, तो हमारा पोस्चर भी अपने आप चेंज हो जाता है, ये उनका कहना है। दूसरी बात वो बताते हैं कि अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी और की मदद करने के लिए करते हैं। मतलब हमें खुद की मदद करना भी उतना ही जरूरी है जितनी आप औरों की मदद उनके बुरे वक्त में करते हैं। अब खुद की मदद हम कैसे कर सकते हैं? जब भी आपको निराश, उदास महसूस होता है, तब ये ढूंढने की कोशिश करें कि आपकी ऊर्जा को, यानी एनर्जी लेवल को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कौन से तरीके अपना सकते हैं। थेरेपिस्ट की मदद लेनी है क्या? आपको अपनी निराशा का कारण ढूंढने के लिए वक्त देना है और फिर उस कारण को दूर करने के लिए हर प्रयास करने हैं। ये सारी चीजें आपको खुद के लिए भी करना जरूरी है। जैसे कि हमारे बहुत नजदीकी कोई करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, तो उन्हें अगर मदद करने के लिए हम सारे उपाय या सारी चीजें ढूंढने लगते हैं कि तुम ऐसा करके देखो, वैसा करके देखो, ये करो, या फिर मैं इस तरह तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, उसी तरह हमें खुद को भी अपने मदद की बहुत जरूरत होती है, स्पेशली जब हम निराश हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं। उस वक्त कई बार हमारी उदासी का कारण हमारा ईगो भी होता है। तब एक बात को हमें ध्यान में रखना है कि हम हमारे ईगो से बहुत ज्यादा बड़े हैं। हम अपने ईगो को हमारे ऊपर हावी होने देते हैं और खुद को परेशान करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। तो इस ऐसे वक्त में हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को साइड, दुखी होने का जो कारण है उसे दूर कर सके। दूसरी बात वो बताते हैं कि हमेशा उन लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छी बातें चाहते हैं, आपको और अच्छा बनाने में आपकी मदद करते हैं। कई बार हम थोड़ी सी टेम्पररी खुशी के लिए किसी ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं जो सिर्फ हमारा वक्त, हमारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, और हम बाद में पछताते हैं कि हमने ये वक्त और ये इनके साथ रहकर क्यों अपना वक्त जाया किया। इसलिए अपने दोस्तों को हमेशा सोच कर चुनना बहुत जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि ये व्यक्ति क्या मुझमें एड वैल्यू कर रहा है, यानी कि मेरी जो खूबियां है उनको और निखार रहा है, उनको ढूंढ कर मुझे अगर नहीं पता है तो बता रहा है, क्या ये मुझे इंस्पायर कर रहा है जो मैं कर रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए, क्या इनके साथ रहकर मेरी प्रोग्रेस हो रही है या फिर ऐसे ही वक्त वेस्ट हो रहा है। ये सारा सोचकर ही हमें लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। चौथी बात वो बताते हैं कि खुद की तुलना हमें किसी और व्यक्ति से करने के बजाय, हम कल जो थे ना उससे आज हम क्या है, इससे हमें हमारी तुलना करनी चाहिए। यानी हमेशा अपनी तुलना अपने आप से करने से ही हम प्रोग्रेस की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं, प्रगति की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं। औरों से तुलना करना हमें निराशा, फ्रस्ट्रेशन ही देता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म की वजह से आज जो भी है वो होता है,
और हम नहीं जानते कि उस व्यक्ति ने खुद की एनर्जी को कैसे बढ़ाया है। इसलिए उनसे तुलना करने में वक्त बर्बाद करने के बजाय अगर हम ये तुलना करते हैं कि मैं 5 साल पहले जो थी क्या आज उससे बेहतर हूँ और अगले 5 साल के बाद मैं क्या आज जो हूँ उससे बेहतर बनने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। इस तरह अगर हम हमारे स्किल्स, हमारे नॉलेज, ये सारी चीजों को बढ़ाते हैं जब हम अपनी खुद से तुलना करते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी तुलना हमेशा उस व्यक्ति के साथ हमें करनी चाहिए जो हम कल थे, ना कि किसी और व्यक्ति से। पांचवी बात वो बताते हैं, पांचवा नियम, आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी हो, सहकर्मी हो आपका, तो आप उसे ऐसा कुछ भी मत करने देना जिससे आप उन व्यक्ति को नापसंद करने लगे। मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, जो भी है हमारे आसपास, वो हमें देखकर उनका भाव है, उसे देखकर ही हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम उनके साथ या उनके सामने कोई गलत बर्ताव करते हैं, कोई गलत बात करते हैं और उन्हें वो करने से रोकते हैं या उन्हें उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो तो वैसा ही करेंगे जो हमने उनके सामने किया है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने बर्ताव में सुधार करते रहना चाहिए, और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी के साथ गलत बात करी है तो हमें इमीडिएटली उसमें सुधार लाना चाहिए, ताकि आगे चलकर हो सकता है वो व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार ना करे, लेकिन आगे चलकर और कोई आपसे उसी तरह व्यवहार ना करे। तो इसलिए हमें अपने आप पर ही फोकस रखना है, अपने बर्ताव में ही सुधार लाना है। छठा नियम वो बताते हैं कि दुनिया की आलोचना या क्रिटिसाइज करने से पहले हमें अपने घर को देखना जरूरी है। मतलब कि जब तक हम अपने आप पर, अपनी एनर्जी पर, यानी विचार भावनाओं पर काम नहीं करते, हमें जो दर्द क्लेश दे रहे हैं उन अनुभवों को एनालाइज नहीं करते, तब तक हमें औरों पर टीका करने का, उनका उपहास करने का या आलोचना करने का कोई राइट नहीं बनता, और उससे हमें कुछ हासिल भी नहीं होता, क्योंकि जो चीज है, जो गलत विचार है, जो गलत एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो हमारे अंदर है। हम अगर दूसरों पर टिका करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनका उपहास करते हैं, तो इससे हम उस पर्टिकुलर बुरी बात को, नेगेटिविटी को हमारे अंदर बढ़ाते हैं। अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हमें अंदर देखना चाहिए कि हम में क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से हमने ये चीज अट्रैक्ट की हमारी लाइफ। हमें हमेशा अपने आप की एनर्जी को सुधारते रहना चाहिए बजाय औरों की कमियां या खामियां ढूंढने के, क्योंकि उनकी कमियां और खामियां ढूंढकर हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। उल्टा हम उन कमियों को और खामियों को देखने से मे बी अनोइंगली हमारे सबकॉन्शियस में उन्हें डाल लेंगे और आगे चलकर हम भी वही कमियां और खामियां अपना लेंगे। इसलिए उससे हमारा वक्त जाया होता है और हम जिन बुराइयों को ढूंढते हैं उन्हें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एब्सॉर्ब करने लगता है। इसलिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि मैंने अगर किसी और की बुराई या बुरा बर्ताव या बिहेवियर अट्रैक्ट किया है तो मुझ में ऐसा क्या है, मेरे अंदर ऐसे कौन से सीड्स हैं नेगेटिविटी के जो मुझे निकाल के फेंक देनी चाहिए, ताकि ये ऐसी बात या मुझे दुख देने वाली बात फिर से ना हो सके। सातवां नियम वो बताते हैं कि श्रेयस को अपनाएं ना कि प्रेयस को। श्रेयस और प्रेयस की बात हमने और भी एक किताब में बहुत अच्छे से बताई है, या फिर आपके सवाल में भी हमने डिटेल में इसमें बात करी है, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। श्रेयस का मतलब होता है कि मे बी टेम्पररी अभी हमें अच्छा ना लगे, पर आगे चलकर जो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, जब बच्चों को स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो पढ़ना कभी कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आगे चलकर वो ही पढ़ाई उन्हें काबिल बनाती है। उसी तरह कोई बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें अभी फिलहाल बहुत प्यारी लगती है, जैसे कि फास्ट फूड, जो हमें खाने में बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, और हम उसके टेम्पटेशन में, मोह में आकर खा लेते हैं उसे, लेकिन हमें जब पता है कि ये आगे जाकर हमारी सेहत पर गलत असर डालने वाला है, इससे हमारी सेहत खराब होने वाली है, तो हमें उसे
छोड़ने का, उसे बंद करने का, उससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ प्रेयस है, श्रेयस नहीं है, जो आगे चलकर हमारे लिए नेगेटिव या खराब साबित हो सके। तो ये बात को हमें बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या श्रेयस है जो अभी हम कर रहे हैं, और क्या प्रेयस है, टेम्पररी है। और इसलिए हमें हर बात पर ये चीज़ लागू होती है। ये खाने का तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था, लेकिन हमारी हर बात, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी दोस्त चुन रहे हैं, हम जिनके साथ भी रिश्ते बढ़ा रहे हैं, तो हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि ये रिश्ता अभी जो अच्छा लग रहा है, आगे चलकर क्या ऐसे ही रहेगा, या ये इंसान सच में मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए अच्छा है, पॉजिटिव है या नहीं है, इस बारे में हमें सोचना चाहिए, तभी हम श्रेयस का चुनाव कर सकते हैं। वरना कई बार ऐसे हो जाता है कि हम प्रेयस में अटक कर आगे जाकर दुख पाते हैं। आठवां नियम वो बताते हैं कि सच बोलना सीख, या कम से कम झूठ मत बोलिए, क्योंकि हम जब सच बोलते हैं तो हमारे दिमाग में हेल्दी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हमें अपने अंदर गिल्ट नहीं महसूस होती, और उस झूठ को छुपाने के लिए हमें और झूठ सोचने की या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना पड़ता। सच बोलने पर हम उस बात को वहीं पे खत्म कर देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन झूठ हमें आगे और कई सारे झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है, जिससे हम औरों के विश्वास को भी खो सकते हैं, उसके लिए अपनी आप की नजर में भी हम कमजोर या गिर जाते हैं। तो इसलिए हमें या तो सच बोलना चाहिए, या सच नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम चुप रहना जरूरी है। झूठ बोलना बहुत गलत बात है, गलत बात औरों के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए, क्योंकि ये मेडिकल साइंस द्वारा भी प्रूव हो गया है कि जब हम झूठ बोलते हैं, हम अंदर कमज़ोर महसूस करते हैं, या हम अंदर कुछ गलत महसूस करते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर कार्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मफुल, यानी अपने शरीर को ख़राब करने वाले हार्मोन सिक्रेट होने लगते हैं। नौ नियम वो बताते हैं कि जब आप औरों की बात सुनते हैं, तब इस बात का भी ख्याल रखें कि हो सकता है वह व्यक्ति कुछ ऐसी बातें जानता हो जो आपको नहीं पता। मतलब कई बार हम यह सोचते हैं, हमसे छोटे लोग हमें क्या बताएंगे, हम तो इनसे ज़्यादा जानते हैं, और हम उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, उन्हें टाल देते हैं उनकी बातों को। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर बात की सारी जानकारी हो, और हर व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता या पसंद होती है, तो वे उस बारे में डेफिनेटली ज्यादा जानकारी रखते हैं। अगर आपको जानकारी या ज्ञान भी नहीं मिलता है, मान लो किसी और की बातें सुनने से आपको कोई जानकारी नहीं मिलती, कोई ज्ञान नहीं मिलता है, फिर भी आप उसके उस व्यक्ति के बारे में जानने लगते हैं, जिस तरह से, जिस तरीके से वो बातें करते हैं, उससे मेंटल लेवल पर एक कनेक्शन आपका क्रिएट होता है, सोल लेवल पर, मेंटल लेवल पर। इसलिए हमें औरों की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कनेक्ट हो सके उस व्यक्ति के साथ। चाहे हमें उस व्यक्ति से कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान या इन्फॉर्मेशन ना मिले, पर हमारा कनेक्शन होना ज़रूरी है, उसके लिए हमें दूसरों की बातें, चाहे वो हमें बहुत फिजूल की या ऐसी लगे, फिर भी सुन लेनी चाहिए। दसवां नियम वो बताते हैं कि अपने बातों में प्रसाइज, यानी सटीक रहें। मतलब कई बार हमें कोई भी छोटी सी बात बताने के लिए हम बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, घूम फिर के बातें करते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि इससे सामने वाले के मन में बहुत सारा कैओस, यानी बहुत सारी शोर पैदा हो सकता है, और जो बात एग्जैक्टली आप कहना चाहते हैं, जो बात हमें उनसे कन्वे करनी है, उसमें वो हम ठीक से नहीं बता पाते। इसलिए जब भी कुछ कहना है, तो इधर उधर की बातें करके या उस बात को घुमा फिरा के कहने के बजाय, अगर हम प्रिसाइजली, यानी सटीकता से कहते हैं जो भी मुद्दा है, जो भी बात है, तो दूसरों तक वो अच्छे से पहुंच जाती है, वो एग्जैक्ट मीनिंग उन्हें समझ में आता है जो हम उनसे कहना चाहते हैं। ग्यारहवां नियम वो बताते हैं कि हर किसी को, आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बच्चे हो, कि हर बार टोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे हैं, कुछ डरावनी बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उनके साथ रहिए, आप उनको सुरक्षित रखने के लिए
उनके पीछे रहिए, लेकिन हर बार ये करना ही नहीं है या मत करो, ऐसे मत करो। क्योंकि जब हम किसी को भी अगर एक स्ट्रॉन्ग या ब्रेव व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो उन्हें जो ऑब्स्टैकल्स है या जो मुसीबत है उसे फेस करना आना पड़ेगा, वरना वो कमज़ोर व्यक्ति रह जाएंगे। और ये बात हमारे लिए भी लागू है, अगर हम कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं या दूसरों को डराते हैं तो हम कभी एक सक्षम व्यक्ति नहीं बन सकते। हम अपने उस पर्टिकुलर कमजोरी को अंदर छुपाते रहते हैं। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। उनका कहना है कि हमें थोड़ी बहुत रिस्क लेनी चाहिए, हमें मुसीबतों को फेस करके उनसे बाहर निकलने की कला भी आनी चाहिए, और इसके लिए हमें हर किसी को हर बार टोकने की ज़रूरत नहीं है कि ये मत करो, वो मत करो, ये ऐसे ही करो, उसको ऐसे ही करो। क्योंकि ऐसा होता है तो वो व्यक्ति जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में, कोई मुसीबत आती है, तो वो खुद से फेस नहीं कर पाते, उसके लिए जो स्किल सेट ज़रूरी है, जो कौशल ज़रूरी है, उसे डेवलप नहीं कर पाते, उससे बाहर नहीं निकल पाते, और हमेशा दूसरों की मदद के लिए इधर उधर देखने लगते हैं या एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो इसलिए हमें हर किसी को हर वक्त टोकना ज़रूरी नहीं है, नहीं टोकना चाहिए। अब लास्ट 12th नियम यानी 12वां नियम वो कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति, पशु, पंछी यानी जीव कोई भी मिले जिससे आपके मदद की बहुत ज़रूरत है और आप वो मदद कर सकते हैं आसानी से, तो आप उसे मदद कीजिए और उसे ज़रूर मदद कीजिए। क्योंकि ये चीज़, ये व्यक्ति, ये जीव आपके पास यूनिवर्स ने भेजा है ताकि आपको जो कुछ भी मिला है ज़िंदगी में, आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए ग्रेटफुलनेस दिखाने का, उसके लिए धन्यवाद देने का, उसके लिए कृतज्ञता भाव जगाने का ये एक मौका आपको यूनिवर्स दे रहा है कि सामने से कोई आपके पास मदद मांगने आता है, और अगर आप वो कर सकते हैं तो उसे मदद ज़रूर ही करना हमारे लिए अच्छा होता है, ताकि हम हमारा कृतज्ञता भाव जो कि मुझे मिला है मैं औरों को दे रही हूँ, फिर चाहे वो सर्विस यानी सेवा हो, प्यार हो, ज्ञान हो, पैसा हो, खाना हो, कुछ भी हो, जो भी मदद आप दूसरों की कर सकते हैं तो आप वो ज़रूर करें। तो ये 12 जो नियम है उसमें से कई सारे नियम तो हम बहुत अच्छे से और आसानी से फॉलो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उन पर हम थोड़ी प्रैक्टिस करके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज से ही हम शुरू कर देते हैं इन नियमों को फॉलो करना, और फिर देखते हैं कि कैसे बदलाव हमारी ज़िंदगी में ये लेकर आते हैं। धन्यवाद।